बबल यूनिवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट असल में इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी से आया है। अब ये इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है, पहले ये समझते हैं। इमेजिन करो आप एक बैलून फुला रहे हो। अब जैसे जैसे उस बैलून में हवा जाएगी वह बैलून बड़ा होता रहेगा। अब इस बैलून को एक यूनिवर्स की तरह देखो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट ये है कि जैसे जैसे ये बैलून बढ़ रहा है उसके एक पार्ट में ज्यादा हवा भरने लग जाती है और वो वाला पार्ट दूसरे पार्ट से ज्यादा जल्दी बड़ा होने लग जाता है। आगे चल के कभी ना कभी जाके ये छोटा सा लंप इस बड़े से बैलून से अलग हो जाएगा और ऐसे एक पुराने यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज के साथ एक नया छोटा यूनिवर्स तैयार हो जाएगा। अब अगर ये चीज इटर्निटी तक चलती रहेगी तो ऐसे ही एक यूनिवर्स से छोटे छोटे यूनिवर्सेस बनते रहेंगे। ये सभी छोटे छोटे यूनिवर्सेस अलग अलग हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इन सब की लॉज ऑफ फिजिक्स अलग होंगे। लेकिन अक्षित भैया, हम तो हमारे ग्रंथों की कहानियां सुन रहे थे ना, तो ये इटर्नल एक्सपेंशन, ये बबल थ्योरी क्यों एक्सप्लेन करने लग पड़े आप? इससे हमारा क्या लेना देना? लेना देना है।